एक्ट्रेस लावण्या त्रिपाठी पेशे से एक इंडियन एक्टर, डांसर और मॉडल हैं, जिन्हें हम टॉलीवुड और कॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री यानी कि तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करने के लिए जानते हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए मॉडल के तौर पर की थी और यह बेसिकली उत्तर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं और यह 2006 में उत्तराखंड यानी कि मिस उत्तराखंड भी रह चुकी हैं और इन्होंने कई प्रतियोगिताओं में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट भी किया है। बात करें इनके फिल्मी करियर की तो इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु मूवी अंडाला रक्षसी से की थी, जिसमें यह तरुण चंद्रा के अपोजिट दिखाई दी थी, जिसका प्रोड्यूसर थे SS राजामौली सर। मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इस वीडियो में हम लावण्या त्रिपाठी मैम की हिट और फ्लॉप मूवीज़ के बारे में जानेंगे, इनका करियर एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे इनकी कितनी मूवी हिट फ्लॉप सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर रही हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर एक, इनकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी अंडाला रक्षसी, जिसका डायरेक्शन किया था हनु राघवापुड्डी ने। कास्ट में थे नवीन चंद्रा, राहुल रविंद्रन और लावण्या त्रिपाठी। मूवी 2012 को रिलीज हुई थी और 7.2 की IMDb रेटिंग वाली है। मूवी तकरीबन 3 करोड़ के बजट में बनी थी और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 7 करोड़ का कलेक्शन करते हुए सुपरहिट फिल्म का टैग हासिल किया। नंबर दो, इनके करियर की बेहतरीन मूवी में से एक दसुकता थाले, जिसका डायरेक्शन किया था वीरू पोटला ने। कास्ट में थे विष्णु मंचू, लावण्या त्रिपाठी और आहुति प्रसाद। मूवी 2013 को रिलीज हुई थी और इस मूवी का बजट था तकरीबन 20 करोड़ और मूवी ने 64 करोड़ का कलेक्शन करते हुए सुपरहिट फिल्म का टैग हासिल किया। नंबर तीन, इनके करियर की पहली तमिल मूवी ब्रह्मानन, जिसका डायरेक्शन किया था सोकेट्स ने। कास्ट में थे M शशि कुमार, लावण्या त्रिपाठी और नवीन चंद्रा। मूवी 2014 को रिलीज हुई थी और 3.7 की बेहद नेगेटिव IMDb रेटिंग के बाद यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। इसमें दो कॉमेडियन संथानम और सूर्य एक साथ दिखाई दिए थे। नंबर पाँच, एक तेलुगु मूवी बाले बाले मेडा डिवोए, जिसका डायरेक्शन किया था मारुति दसारी ने। कास्ट में थे नानी, लावण्या त्रिपाठी और मुरली शर्मा। मूवी 2015 को रिलीज हुई थी और 7.8 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी 6 से 7 करोड़ के बजट में बनी थी और 55 करोड़ का कलेक्शन करके इस मूवी ने ब्लॉकबस्टर फिल्म का टैग हासिल किया। नंबर पाँच, इनकी एक और तेलुगु मूवी सोगाडे चिनी नायना, जिसका डायरेक्शन किया था कल्याण कृष्णा ने। कास्ट में थे नागार्जुन अक्किनेनी, रम्या कृष्णा और लावण्या त्रिपाठी। मूवी 2016 को रिलीज हुई थी और 6.4 की IMDb रेटिंग वाली इस मूवी का बजट तकरीबन 35 करोड़ और मूवी ने 85 करोड़ का कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर टैग हासिल किया। नंबर छः, LOL, जिसका डायरेक्शन किया था जगदीश टी ने। कास्ट में थे नवीन चंद्रा, लावण्या त्रिपाठी, अजय। मूवी 2016 को रिलीज हुई थी और 5.4 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी इनके पहले पेयर की तरह यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करते हुए हिट फिल्म का टैग हासिल करने में सफल रही थी। नंबर सात, इनकी ये भी तेलुगु मूवी थी, मूवी का नाम था श्री रुस्तु सुब्रमस्तु, जिसका डायरेक्शन किया था परशुराम ने। कास्ट में थे अल्लू श्रीश, लावण्या त्रिपाठी और प्रकाश राज। मूवी 2016 को रिलीज हुई थी और 6.4 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। इनकी अगली मूवी का नाम आता है मिस्टर, जिसका डायरेक्शन किया था श्रीनु वेटला ने। कास्ट में थे वरुण तेज, लावण्या त्रिपाठी और हेबा पटेल। मूवी 2017 को रिलीज हुई थी और 3.8 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी दर्शकों को कोई खास पसंद नहीं आई और मूवी का बजट था तकरीबन 15 करोड़ और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 12 करोड़ का, जिसके कारण यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। नंबर नौ, राधा, जिसका डायरेक्शन किया था सीमोन सी ने। कास्ट में थे सर्वानंद, लावण्या त्रिपाठी, शंकर। मूवी 2017 को रिलीज हुई थी और 5.4 की IMDb रेटिंग वाली यह रोमांटिक कॉमेडी मूवी दर्शकों को कोई खास पसंद नहीं आई थी। हालांकि सर्वानंद की फैन फॉलोइंग के कारण यह मूवी फ्लॉप होने से बच गई और एक एवरेज फिल्म का टैग हासिल करने में सफल रही। नंबर 10, इनके करियर की पहली एक्शन थ्रिलर मूवी युद्धम शरणम, जिसका डायरेक्शन किया था कृष्णा एम ने। कास्ट में थे नागा चैतन्य, लावण्या त्रिपाठी और श्रीकांत। मूवी 2017 को रिलीज हुई थी और 6.2 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि हिंदी डब दर्शकों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया और इसे लगभग 70 मिलियन प्लस व्यू आ चुके हैं अभी तक। नंबर 11, इनकी कमिंग ऑफ एज रोमांटिक ड्रामा मूवी वनादी ओकाथे जिंदगी, जिसका डायरेक्शन किया था तिरुमलाई किशोर ने। कास्ट में थे राम पोथिनेनी, अनुपमा परमेश्वरन, लावण्या त्रिपाठी, श्री विष्णु। मूवी 2017 को रिलीज हुई थी और 6.4 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इसे हिंदी दर्शकों ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया और हिंदी डब में इसे 100 मिलियन से ऊपर अब तक व्यूज़ आ चुके हैं। बात करें इनकी अगली फिल्म की तो इन्होंने लंबे समय के बाद कोई तमिल मूवी की थी। मूवी का नाम था मायावन, जिसका डायरेक्शन किया था CV कुमार ने। कास्ट में थे संदीप कृष्णा, लावण्या त्रिपाठी और जैकी श्रॉफ। मूवी 2017 को रिलीज हुई थी और 7.3 की IMDb रेटिंग वाली इस मूवी को कोई वर्ड ऑफ माउथ बढ़िया नहीं मिली, जिसके कारण यह मूवी एक अबाव एवरेज फिल्म साबित हुई। हालांकि इस मूवी को भारत की
बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ में गिना जाता है और इसे हिंदी दर्शकों ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। नंबर 13 इंटेलिजेंट, इसका डायरेक्शन किया वी वी विनायक ने। कास्ट में थे साई धर्म तेज, लावण्य त्रिपाठी, महेश प्रसन्ना। मूवी 2018 को रिलीज हुई थी और 2.7 की बेहद नेगेटिव IMDb रेटिंग के कारण यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। हालांकि यह मूवी ट्रू इंसिडेंट पर आधारित बताई जाती है। नंबर 14 इनकी पहली और तेलुगु की भी पहली स्पेस एजेंसी की मूवी अंतरिक्षम 9000 KMPH, जिसका डायरेक्शन किया था एस रेड्डी ने। कास्ट में थे अरुण तेज, अदिति राव हेदरी, लावण्या त्रिपाठी। मूवी 2018 को रिलीज हुई और 6.1 KMDB रेटिंग वाली यह मूवी फ्लॉप साबित हुई। इनकी अगली मूवी का नाम आता है अर्जुन सुरावरम, जो तमिल मूवी कनिथम का तेलुगु रीमेक थी, जिसका डायरेक्शन किया TN संतोष ने। कास्ट में थे निखिल सिद्धार्थ, लावण्या त्रिपाठी, तरुण अरोरा। मूवी 2019 को रिलीज हुई और 7 की IMDb रेटिंग वाली इस मूवी का बजट तकरीबन 20 करोड़ था और मूवी ने वर्ल्ड वाइड 31 करोड़ का कलेक्शन करते हुए सुपरहिट फिल्म का टैग हासिल किया। इस मूवी में निखिल सिद्धार्थ की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। बात करें लावण्या त्रिपाठी मैम की आने वाली मूवीज़ की, उसमें नंबर 16 पर आती है A1 एक्सप्रेस, जो तमिल मूवी नपटे थुनई का आधिकारिक तेलुगु रीमेक होने वाली है, जिसका डायरेक्शन करें DJ कानुकोलानू, जिसका स्टार कास्ट में संदीप कृष्णा, लावण्या त्रिपाठी और मुरली शर्मा। इसमें संदीप कृष्णा एक हॉकी प्लेयर के रोल में दिखाई देने वाले हैं। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 2020 या 2021 में रिलीज हो सकती है, आप हमें कमेंट करके बताना। यह नपटे थुनई की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट या हिट साबित होगी या इससे बड़ी या ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है। तो ये था भारत की बेहतरीन और तेलुगु फिल्मों की बेहतरीन अदाकारा लावण्या त्रिपाठी का हिट और फ्लॉप कंप्लीट करियर एनालिसिस। इसमें हमने उनकी हिट और फ्लॉप और उनकी आने वाली मूवीज़ के बारे में जाना। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ ही साथ यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग करियर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।